हरे कृष्ण। तो स्कंध 3 श्रीमद् भागवतम से आज हम 22वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति का विवाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1 और 2। श्री मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृता शेषा गुणकर्मोदयो मुनिम् सव्रीडा इव तं सम्राट् उपारतामुवाच। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत्स्वमुखतो युष्मनात्मा परीप्सया छंदो मयस्तपो विद्या योगयुक्तानलं पटन। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोच वश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो राजा स्वयंभू अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कर्दम मुनि के आश्रम में आए हुए हैं और कर्दम मुनि ने राजा की अतिथि के रूप में स्वागत किया, नमस्कार किया, प्रशंसा किया, तो फिर शांत हो गए। तो अब मनु महाराज बोलने वाले हैं। मनु ने कहा वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के द्वारा स्वयं के विस्तार हेतु अपने मुखारविंद से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है जो तप ज्ञान और योग से युक्त है और इंद्रिय तृप्ति से विमुख है। ये ब्राह्मण का लक्षण है, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और उनके इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे वेदों का उद्देश्य जो है वो परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार करना है। बहुत सारा सत्य है लेकिन परम सत्य स्वयं कृष्ण है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष भगवान के मुखारविंद से हुई है, फलत उनका कार्य वैदिक ज्ञान का प्रसार करना है। ब्राह्मणों को समाज का मस्तिष्क भी कहा गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कैसे एक आत्मा को अपने जीवन चलाना है उस बारे में ब्राह्मण हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान की महिमा गान में ही अपना जीवन लगा देते हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्तान अलम पटान कि ब्राह्मण योग शक्ति से युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होते हैं। तो ये ब्राह्मणों का गुण है। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियां होती है। तो एक वृत्ति तो होता है कि इंद्रिय तृप्ति, भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहना, ये एक वृत्ति है। और दूसरा वृत्ति मतलब व्यवसाय, आप किसमें बिजी रहते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में बिजी रहते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रियों की तृप्ति करेंगे, अपने परिवार की इंद्रियों की तृप्ति करेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आध्यात्मिक कार्य में अर्थात ईश्वर का गुणगान में व्यस्त रहते हैं। वृत्ति मतलब आप किस में व्यस्त रहते हैं। तो लेकिन जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं उनको शास्त्र असुर कहते हैं और जो भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं उनको देवता कहा जाता है। तो मनुष्य में ही ये दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। ब्राह्मण विशेष रूप से तपस्या, विद्या और ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए भगवान के द्वारा। वे समस्त प्रकार के विषय भोग से इसलिए अनासक्त रहते हैं क्योंकि विषय भोग करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। श्लोक नंबर 3 और 4।
तत्राणाया सृजच्छास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते अतो यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः सायः सदसदात्मकः। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया, अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तो भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया गया, भगवान के बाजुओं से विराट पुरुष के पास सहस्त्र बाजुएं हैं, तो उनसे क्षत्रियों को उत्पन्न किया गया है। इसलिए ब्राह्मणों को भगवान का हृदय और क्षत्रियों को भुजाए कहते हैं। भुजाए किस लिए चाहिए? रक्षा करने के लिए। तो इसलिए क्षत्रियों को ब्राह्मणों की विशेषतया रक्षा करना चाहिए। ब्राह्मण यानी आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नत व्यक्ति है और आध्यात्मिक ज्ञान समाज को प्रदान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जब रक्षा करते हैं राजा, तो राजा के लिए भी राज्य चलाना बहुत आसान हो जाता है। जब शिक्षा शास्त्र सम्मत होता है तो लोग ऑटोमेटिकली गुड सिटीजन होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं। और राजा वही शास्त्र की जो बातें हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को समाज की मस्तिष्क बोला गया है। जब किसी व्यक्ति का दिमाग ठीक रहता है, वो पागल नहीं होता है, तो शरीर भी पूरा ठीक रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि किस तरह से मैनेज करना है, मेंटेन करना है। लेकिन जब पागल हो जाता है व्यक्ति, कपड़ा कभी पहनते भी है नहीं पहनते हैं, मैला रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, उसको कुछ पता नहीं। तो इस तरह से उन समाज में जहाँ पे ऐसे व्यक्ति है जो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, समाज को आध्यात्मिक प्रगति हेतु मोटिवेट कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वो समाज विमल या पवित्र रहता है और समाज में सब कुछ व्यवस्थित रहता है। श्री भगवान का वर्णन इस प्रकार होता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अर्थात भगवान गाय और ब्राह्मण की विशेषतः रक्षा करते हुए उनके बहुत प्रिय होते हैं। और इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति और गो रक्षा, ये दोनों ही बहुत मान सभ्यता का मूल सिद्धांत है, अत्यंत आवश्यक है इनकी रक्षा। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव है। क्योंकि असली अच्छी शिक्षा जब होता है ना, तो समाज अपने आप बदलता है, तो शिक्षा देने वाले हैं ये ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप के रूप होने के बाद भी निर्विकार होकर श्री भगवान एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे पति पत्नी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पति ही प्रोटेक्टर होते हैं, पत्नी भी पति की प्रोटेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पति पत्नी को सुरक्षा प्रदान करते हैं ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों से या ऐसे लोगों से जो पत्नी पर जो है असर डाल सकते हैं बुरा, या उनको भ्रमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो समाज में पुरुषों को भी पत्नियां रक्षा करती है, क्योंकि अदरवाइज वो इलीगल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो पत्नियां उनको धर्म पत्नी के रूप में उनको मदद करती है कि वो ऐसा ना करे और उनको सहयोग देती है। तो इस प्रकार एक दूसरे का, इसलिए गृहस्थ ही एक आश्रम रह जाएगा ज़्यादा कलयुग में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करना आसान है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन की परमिशन है विवाहित पत्नी के साथ। लेकिन बाकी आश्रमों में पूर्ण ब्रह्मचर्य है, और कलयुग में पूर्ण ब्रह्मचर्य रक्षा करने वाले महान पुरुष बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ जो है वो महान नहीं है। ऐसे बहुत महान गृहस्थ हुए हैं इतिहास में और अभी भी है, जो साधना करते हैं, अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं और श्रीमद् भागवतम नित्य पढ़ते हैं, और साथ ही साथ गृहस्थ ब्रह्मचारी है वो।
क्यों? क्योंकि वो अपने पत्नी के अलावा जो है बाकी स्त्रियों को माता ज्ञान करते, इससे समाज में एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनी रहती है। जैसे पांडव पांडव ऐसे ही महान पुरुषों में से थे, हालांकि दुर्योधन ऐसे में नहीं था, नहीं तो वो द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न नहीं करता, जो भाभी है, जो उनकी माँ के समान सम्मान उनको देना चाहिए था, नहीं किया था। तो ऐसे जैसे जयद्रथ ने, जो दुर्योधन के साला लगता था, साला नहीं, हाँ उनकी बहन की बहनोई लगता था, तो बहन के पति है, द्रौपदी को उनके वनवास के समय उठा के ले गए थे। तो ये सब पुरुष जो है चरित्रहीन है एक्चुअली, जो ऐसे स्त्रियों को किडनैप करते हैं, वो भी विवाहिता स्त्री को खासकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं चौथे श्लोक में बताया गया है कि एक दूसरे को रक्षा करना चाहिए। जैसे राजा को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं मुनि, और राजा अपने बल से मुनियों को असुरों से रक्षा करते हुए, ऐसे बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई भक्ति ना करें, तो उनसे राजा उनकी रक्षा करते हैं। वास्तविक जो रक्षक है वो तो भगवान ही है, लेकिन सुरक्षा कार्य के लिए उन्होंने क्षत्रियों को नियुक्त किया है, और ब्राह्मणों को बाकी लोगों की रक्षा के लिए कि आध्यात्मिक ज्ञान दो, क्षत्रियों को बाकी सभी वर्णों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। भगवान को निर्विकार या कर्म से रहित कहा गया है, क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु हमेशा योग निद्रा में रहते, योग निद्रा मतलब हमारे जैसा निद्रा नहीं कि बेहोश हो गए पता ही नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में थे, वो निद्रा में रहकर भी सोचने मात्र ही कितना कार्य करते रहते हैं, उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं, उनकी अनंत शक्तियाँ हैं। जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी दिखते हैं, ये भगवान की शक्तियों के परिणाम हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्य में रत होकर भी अपने आप को हेल्प करे, सहयोग करे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब जैसे परिवार की अगर हम बात करें, जिस परिवार में हर सदस्य एक दूसरे को सहायता करे, परिवार को अच्छे से चलाने के लिए मदद करे, और भगवान की भक्ति में एक दूसरे को मोटिवेट करे, तो भगवान और लक्ष्मी देवी ऐसे परिवार से बहुत प्रसन्न रहते हैं। आदि लक्ष्मी, जैसे आदि विष्णु कृष्ण है, आदि लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी, तो ऐसे घर में भगवान राधा कृष्ण दोनों प्रसन्न रहते हैं। चार वर्णों और चार आश्रमों की संस्थापना का मंतव्य यही है कि एक दूसरे के पूरक हो वो लोग। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन भगवान सभी के शरीरों का स्वामी है। सिर्फ मनुष्य के शरीर का नहीं, देवता, पशु, पक्षी, वृक्ष, सबके अंदर आत्माएं हैं। भगवान सबको जानते हैं, हम सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं। हमें मच्छर काटा तो हम जानेंगे हमें मच्छर काटना, हमारे सामने वाली व्यक्ति को काटा कि नहीं हो तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन भगवान को सबके बारे में मालूम है, सबके क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, सब देख रहे हैं भगवान। हर एक के अंदर परमात्मा है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं अच्छा परमात्मा अनेक है, अगर 10,000 करोड़ मनुष्य या पशु है तो 10,000 करोड़ परमात्मा है, नहीं, परमात्मा एक ही है, और वही एक परमात्मा सबके अंदर है। विरोधाभास लग सकता है, लेकिन भगवान के लिए पॉसिबल है। जैसे सूर्य जब दोपहर के समय आप बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा सूर्य आपके सर के ऊपर है, खासकर सर्दी में, गर्मी में तो सूर्य अच्छा नहीं लगता है लोगों को, सर्दी में आप देखेंगे सूर्य मेरे ऊपर है, आप जहां जहां जाएंगे आपके ऊपर ही सूर्य है। आपसे कितना भी दूर, मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर कोई है, वहां पर भी सबको लगेगा हमारे ऊपर सूर्य है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, लेकिन सबको लग रहा है हमारे सर के ऊपर है। तो ऐसे ही परमात्मा एक होकर भी सबके हृदय के भीतर निवास करते हैं। लेकिन कई लोग जो सोचते हैं अच्छा सबके अंदर परमात्मा है तो हम सब परमात्मा हो जाते हैं, नहीं, हम आत्मा है, हृदय में ही आत्मा है, हृदय में ही परमात्मा है शरीर के, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकते हैं। आत्मा होने के कारण वो गुणों में तो भगवान के समान है, लेकिन व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा जो है वो पृथक पृथक है। तो आज पांचवा ये श्लोक पढ़ के हम कथा का समापन करेंगे। पांचवें श्लोक में बताया गया है, तव संदर्शना देवा छिन्न मे सर्व संशयः यत्स्वयं भगवन् प्रीत्या धर्ममाहारि रक्षिषो
अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। तो राजा मनु यहाँ पे बोलते हैं कि कई बार क्या होता है ना, जब हम साधु पुरुष की दर्शन करते हैं, हमारे हृदय में जो संदेह था वो दूर हो जाता है, हमारा हृदय एक्चुअली विमल हो जाता है। तो दर्शन ही पवित्र करो यही तुम्हार गुण। इसलिए वैष्णव सॉन्ग में क्या गाते हैं, गंगा रा पराशाहले पशाते पावन दर्शने पवित्र करो ऐ तुमार गुण। गंगा को स्पर्श करने के बाद ही हम पवित्र होते, गंगा में स्नान करना होगा, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं। तो मनु महाराज यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि दर्शन मात्र से उनका सारा संदेह जो मन का है वो दूर हो गया, क्योंकि कर्दम मुनि ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या किया है। तो राजा की प्रशंसा के साथ साथ वो राजा के कर्तव्यों की भी व्याख्या कर दिया ना कर्दम मुनि ने, कितना सुंदर। तो मनुष्य को इसलिए चाहिए कि सदैव भक्तों की संगति करे, साधु पुरुषों की संगति करे, असत संगति त्याग दे जो भोग और विषय इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से वो अतुलनीय सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मनु के इस कथन के द्वारा प्रभुपाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, तात्पर्य में व्यक्तिगत अनुभव कि जब उन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे तो पहली ही मुलाकात में प्रभुपाद के हृदय स्पर्श कर लिया था, और पहली ही भेंट में ये आज्ञा दे दिया था प्रभुपाद को कि आप इतना सुंदर इंग्लिश जानते हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप इतना पढ़ाई लिखाई किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप जाइए और पाश्चात्य देशों में इंग्लिश में भागवत गीता भागवतम के ज्ञान को वितरित कीजिए। पहली मुलाकात थी, और प्रभुपाद ने बचपन से बहुत साधु देखा, ढोंगी साधु भी देखा है, क्योंकि उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे तो हमेशा साधुओं को बुलाकर खिलाते थे, तो इसलिए उनको साधुओं पर बहुत ज़्यादा भी भरोसा नहीं था। लेकिन उनके दोस्त के कहने पर जब वो जबरदस्ती ले जाया गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली मुलाकात हुई, तब उनको पहले बार में ही पता चला कि ये साधु अलग है, ये परम शुद्ध भक्त है, दिव्य भक्त है। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाँ, साधु के दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए जो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो, यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हम कितना भी साधना कर लेना, रोज 64 माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन अगर गुरु की कृपा ना हो हमारे ऊपर तो सब व्यर्थ है। गुरु की कृपा के बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकते। सुखदेव गोस्वामी ने गुरु धारण नहीं किया था, वैकुंठ तक चले गए थे, उनको कितना ज्ञान था, सारे शास्त्र का ज्ञान था, मुक्त आत्मा थे, फिर भी वैकुंठ में उनको प्रवेश नहीं दिया गया। जब वो आके व्यासदेव जी से पूछा अपने पिता से, तो व्यासदेव ने यही कहा, क्योंकि तुम्हें गुरु प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए। तो एक साधु व्यक्ति या शुद्ध भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना कितना कंपल्सरी है। जो हजारों जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो पाता, वो एक साधु पुरुष की संगति से, एक क्षण की संगति से हमें प्राप्त हो जाती है, कितने ही जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी हमें मौका मिले ऐसे साधुओं का दर्शन करने हमें जाना चाहिए। आप देखिए, इस्कॉन में साधुओं की कोई कमी नहीं है, हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, अनन्य कृष्ण भक्ति और भौतिक इच्छा से मुक्त होने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, रोज हरे कृष्ण महामंत्र की 2 घंटा माला कर रहे हैं, 16 माला, 4 नियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं, पानी तक हर एक चीज भगवान को भोग लगा के ही खा रहे हैं, खाना ही क्यों, हर एक चीज दान दे तो भगवान के लिए दे रहे हैं, कपड़ा खरीदे तो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं।
भगवत गीता के श्लोक यत करोषि यदश्नासी यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते, सब तपस्या करते तो कृष्ण के लिए। एकादशी का व्रत के अलावा कोई व्रत भी नहीं रखते। जो कृष्ण व्रत है, जन्माष्टमी, एकादशी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, यही सब व्रत रखते हैं। कितना शुद्ध भक्त है। और उनमें जो अभी प्रश्न प्रभुपाद के शिष्यगण हैं, जो प्रभुपाद से शिक्षा प्राप्त किया है, प्रभुपाद की गुरु कृपा प्राप्त किया है, कई सारे शिष्य हैं जो गुरु रूप में हैं, अगर उनके एक की भी कृपा का पात्र हम बन जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन जो फायदा है, प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापित किया, आज पूरे विदेश देश सब जगह हजार सेंटर है, कहीं भी किसी भी कोने में हम हैं, हमें रेगुलरली इस्कॉन सेंटर्स में जाना चाहिए। वहाँ भी एजुकेशन दिया जाता है, सिर्फ मंदिर का घंटा बजा के दर्शन करके आरती अटेंड करके नहीं आना होता है। वहाँ हम क्लास अटेंड करें, हम आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करें, रोज क्लासेस हो रही है, भक्तों की संगति हो रही है, उनसे सीखे, तो इस प्रकार से हम चार्ज रहेंगे, बैटरी चार्ज रहेगा। अगर हम अकेले घर में बैठे बैठे भक्ति करें उसमें वो बात नहीं आएगी, कैसे भक्तों की गुरु की कृपा होगी हम पर। तो इसलिए हमें घर से निकलना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। तो सामान्य लोगों से हमें हमेशा अपने आप को अलग ही रखना चाहिए। सामान्य मतलब साधारण लोग, यानी जो भगवान की भक्ति के विषय में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और असाधारण लोग जो भगवान की भक्ति में इंटरेस्टेड है उनका संगति करना चाहिए, उत्साही भक्त का संगति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। हो सकता है वही बात वो साधु पुरुष कह रहे हो कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन उनके बोलने में जो आध्यात्मिक शक्ति निहित है, जो हमारे कान में प्रवेश कर रहे, हृदय में प्रवेश कर रहे, तुरंत हम पवित्र हो रहे हैं। तो इसलिए गुरु का लेक्चर, प्रभुपाद का लेक्चर हमें निरंतर सुनते रहना चाहिए। साधु पुरुष अपने आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है, वो निरंतर उन्नति करते रहते हैं और वो बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवतम कथा को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण।